इधर अखिलेश ने स्वामी प्रसाद का बढ़ाया कद, तो उधर केशव प्रसाद मौर्य ने कह दी बड़ी बात। सपा और अखिलेश को केशव ने कह दिया कुछ ऐसा कि स्वामी के बयान से ज्यादा बवाल अब होगा। विरोध की बयार में ऐसे बहे केशव कि भूल गए शब्दों की मर्यादाएं, विरोध करते करते खुद विवादों के दलदल में घुसे। स्वामी को बता दिया सपा की बर्बादी का कारण, तो अखिलेश पर कर दी इतनी बड़ी विवाद टिप्पणी। अक्सर विरोध में हम इतने अंधे हो जाते हैं कि विरोध उसी भाषा में करते हैं जिस पर हम एतराज जता रहे होते हैं। कुछ ऐसा ही उत्तर प्रदेश की सियासत में देखने को मिल रहा है। जिन स्वामी प्रसाद के बयान को लेकर हंगामा बरपा हुआ है, उन्हीं का अखिलेश यादव ने कद बढ़ाया, और कद बढ़ा तो फिर विरोध के सुर भी उठने लगे। कभी स्वामी प्रसाद को भाई कहने वाले केशव प्रसाद मौर्य का माथा घूमा और कुछ ऐसा कह दिया जिससे सियासी बवाल फिर से शुरू हो गया है। इतना तो विवाद स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से नहीं हुआ जितना हंगामा केशव प्रसाद मौर्य के बयान से मचना तय है। केशव प्रसाद मौर्य ने जहां अखिलेश यादव के मानसिक संतुलन पर सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर जो कहा उसने तो उनकी सियासी समझ पर ही सवाल खड़े कर दिए। बताएंगे कि केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा, लेकिन पहले आप बताएं कि क्या सियासी विरोध मूल मुद्दों से हटकर विवादों पर आ खड़ा हुआ है, और क्या विरोध में इस्तेमाल होने वाली भाषा मर्यादाओं और संस्कारों को भी अपमानित कर रही है। आपकी राय क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं केशव प्रसाद मौर्य की, तो समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य को भी अहम जिम्मेदारी दी गई है। स्वामी प्रसाद को राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। सपा में स्वामी प्रसाद को मिली ये अहम जिम्मेदारी पर डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसा है। डेप्यूटी सीएम ने सपा के इस फैसले को ताबूत की आखिरी कील करार दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने सपा के इस निर्णय को लेकर ट्वीट किया और कहा कि मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुकी है सपा, समाजवादी पार्टी ने अपना हिंदू विरोधी चरित्र उजागर कर दिया है। श्री रामचरित मानस को अपमानित करने वाले को सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय महासचिव बनाकर खुद सपा के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। दरअसल रामचरित मानस पर टिप्पणी करने के बाद सपा नेता और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य विवादों में है। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि वो अपने बयान पर अभी भी कायम है। उन्होंने कहा है कि उनके इस बयान का विरोध खास तौर पर एक वर्ग द्वारा किया जा रहा है। सपा ने 62 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की है जिसमें चाचा शिवपाल सिंह यादव को भी अहम जिम्मेदारी दी गई है। शिवपाल को भी राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। मैनपुरी उपचुनाव के बाद से ही इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि शिवपाल सिंह को कौन सी जिम्मेदारी दी जाती है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को ये जिम्मेदारी ऐसे वक्त में दी गई है जब रामचरितमानस पर उनके दिए गए बयान पर विरोधी हमलावर हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही थी। वहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की लिस्ट जारी कर सपा ने एक तरफ से साफ संकेत दिया है कि उन्हें बीजेपी के विरोध से फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव को लपेटे में लिया और विवाद और गहराता जा रहा है। स्वामी विरोध में केशव की भाषा पर सपा सवाल खड़े कर रही है और विरोध के इस अंदाज का ही विरोध होने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।